डीडवाना जिले के मौलासर थानांतर्गत नुआ गांव में आज एक बड़ी दर्दनाक घटना हो गई, जिसमें दो सगी विवाहित बहनों की दो बच्चों के साथ संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। चारों के शव फांसी के फंदे पर लटके हुए मिले। मृतकों में एक 7 साल की बच्ची और 4 साल का एक बच्चा भी शामिल है। इस घटना में चारों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस मामले में दोनों बहनों के पीहर पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष पर दोनों बहनों को प्रताड़ित करने और उनकी हत्या करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में मामला दर्ज करवाया है, जिसके आधार पर पुलिस ने 6 लोगों को डिटेन कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि नुआ गांव की रहने वाली दो सगी बहनें नाजिया और साजिया का एक ही परिवार में ससुराल है। दोनों बहनें जेठानी और देवरानी हैं। दोनों महिलाओं के पति 4 सालों से विदेश में कार्यरत हैं। बताया जा रहा है कि लंबे समय से परिवार में गृह कलेश और पारिवारिक विवाद हो रहा था। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये मौलासर थाना इलाके में नुआ गांव है, वहाँ की एक ही परिवार में सिंगरावट की दो बेटियाँ ब्याही हुई थी। उन दोनों बेटियों की डेड बॉडी व एक बेटी का, एक बेटी है 7 साल की वो, और एक 4 साल का बेटा है, इनकी डेड बॉडी वहाँ एक रूम में मिली है और पीयर पक्ष को सूचना दी गई। पीयर पक्ष उपस्थित आया, जिसने हत्या का आरोप लगाया है 7 लोगों पर और 6 को हमने राउंड अप कर लिए हैं। सास बाकी है, सास की तलाश जारी है। दूसरा, इन दोनों के जो पति हैं वो सऊदी अरबिया में रहते हैं, वहाँ कोई काम करते हैं, और डेड बॉडी यहाँ डीडवाना मोर्चरी रूम में रखवा दी गई है। अभी मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराएंगे और संदिग्ध परिस्थितियों में मौत है, हत्या मानते हुए हम जाँच करेंगे।